शहर में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। मतदान शुरू होने के साथ ही वाद विवाद भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में अब इंदौर में भाजपा द्वारा बिना आईडी कार्ड दिखाए वोटिंग किए जाने के समर्थन को लेकर विवाद गर्मा गया है। कांग्रेस का कहना है कि पर्ची के साथ ही आईडी कार्ड दिखाकर वोट डाले जाए ताकि एक व्यक्ति अधिक बार वोट न डाल सके। एजेंट भेज गए, सारी चीजें हो गई हैं, सारी गड़बड़ों की ध्यान रखने के लिए तो एजेंट रखते हैं ना अपन। हाँ, एजेंट रखने के बाद में जो अभी हो रहा है ये सारे क्यों नहीं हुआ? आईडी बिना कैसे डल गई? पर्चियों के बेस पे दूसरी पर्ची वाले डाल रहे हैं, अधिकारी की तो बात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि आईडी कार्ड किसी का चेक न किया जाए, इसी बात को लेकर दोनों गुटों में विवाद हो गया है। पीठासीन अधिकारी का कहना है कि फर्जी वोट डाले जा सकते हैं, इसलिए आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। वहीं फर्जी वोट डालने की भी आशंका जताई जा रही है।